और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई? और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है? और इसलिए जो पूर्व में भी स्थिति उत्पन्न हुई, 2013 तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8/4 1951 का मानहानि के मामले में किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन अगर किया जाता था तो 3 महीने की मोहलत दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपील में जा पाए। लेकिन 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश कि जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए।